गाइज, आज के इस वीडियो में न्यू फिश स्टॉक अपडेट दिखाने के साथ साथ आपको अपने सभी शॉप का अपडेट देने वाले हैं। तो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज, सबसे पहले हमारा फर्स्ट शॉप जो आता है वो ये है रेडीमेड शॉप। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 6x4 का एक्वेरियम लगा हुआ है, जिसे मैं आपको कई वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, बट आप एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पर जो है आपको ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड सभी क्लॉथ मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में अनुभूति, अवीरा, मतलब रिलायंस का टोटल ब्रांड आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको विवाह, रंगमय, रंगरीति और भी 109 है, ये सारा ब्रांड का जो अवेलेबल है। कुछ आइटम ये सभी ब्रांड का आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा नॉन ब्रांडेड में तो ढेर सारा है, ये कुछ भी आपको दिखा सकते हैं। तो पहले आप इस दुकान का लुक देख लीजिए चारों ओर से, उसके बाद हम आपको बाहर से भी अपडेट दिखाते हैं। गाइज, ये हमारा शॉप का जो है फ्रंट से लुक है, आप देख सकते हैं ये रोड पे पड़ता है। आप देख लीजिए इस तरफ से रोड है, अगर आप आते हैं इस तरफ से, तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट में ये आएगा। आप यहाँ पे कलेक्शन देख लीजिए किस तरह से जो यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये 6x4 का आपको फ्रंट से ही लुक आपको दिख जाएगा। ये देख सकते हैं ये एक्वेरियम आपको फ्रंट से ही, जैसे ही रोड पे आप विजिट करिएगा आपको ये एक्वेरियम दिख जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से जो है मॉडल लगा हुआ है, इसमें अलग अलग तरह का जो ब्राइट लगा हुआ है। और चलिए अब आपको अंदर से भी लुक दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टील वर्क किया हुआ है, और यहाँ पर सारा कलेक्शन रखा हुआ है। और ये काउंटर आप देखिए, ये ग्लास का काउंटर है, ये इस तरह से जो यहाँ पर फिनिशिंग किया है। और यहाँ पर ये दो मॉडल लगाए हुए हैं, इसमें जो है यहाँ पर एक्वेरियम लगने वाला था, किसी वीडियो में हम आपको बताए भी थे, अभी फिलहाल ये है। और ये ट्रायल रूम है, तो ट्रायल रूम कैसे खोल रहा है ये देख लीजिए यहाँ से, ये ट्रायल रूम है। और ये हमारा दूसरे शॉप में जाने का रास्ता भी है, तो आप इधर आ जाइए। गाइस, ये ट्रायल रूम है, और यहाँ जस्ट में आप देख सकते हैं जो ये दो मॉडल लगा हुआ है, इसमें इस तरह से जो है डिजाइन रखा हुआ है। और सभी का जो आपको प्राइस हुआ है एकदम लोएस्ट प्राइस में मिलने वाला है, चीपेस्ट प्राइस में, इस तरह से जो है यहाँ पर किया हुआ है। ये सारा आप दोनों मॉडल को देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर लुक दे रहा है, और भी यहाँ पर जो है फिनिशिंग देने वाले हैं। फिलहाल जो अब हम आपको दूसरा शॉप दिखाने वाले हैं, आइए। गाइस, सबसे पहले आप ये काउंटर देख सकते हैं, ये काउंटर जो है पूरा ये एक्वेरियम का काउंटर ही है, ठीक है। ये एक्वेरियम के ऊपर ही ग्लास लगा हुआ है, और इसमें एलिगेटर फिश है, ये स्पॉटेड एलिगेटर फिश है, जिसे आप देख सकते हैं ये कितना लाजवाब है। और ये एकदम बड़े साइज का हो गया, लगभग 2 फीट का ये फिश हो चुका है, और टैंक मात्र जो है ये 4 फीट प्लस है, तो इसको बड़ा टैंक लेने वाले हैं। और यहाँ पर आपको क्या मिल जा रहा है, सारा एक्वेरियम का मॉडल मिल जाएगा, एक्वेरियम प्लांट मिल जाएगा, एक्वेरियम एसेसरीज जो है टोटल एसेसरीज एक्वेरियम का मिल जाएगा। और भी यहाँ पर जो है आइटम कुछ घटा हुआ है, जो आने वाला है 2 से 3 दिन में, वो सारा आइटम आपको मिल जाएगा। अगर आपको भी कुछ आइटम चाहिए होगा तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। तो चलिए अब हम आपको फिश का स्टॉक दिखाते हैं जो आया है, और उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्वेरियम है, और यहाँ पर देख लीजिए ये बीटा फिश जो है इस तरह से जो है यहाँ पर सजा हुआ है, ये टोटली जो है बीटा फिश है, टोटल मेल बीटा फिश है। और यहाँ पर जो है वीडियो फिश का टैंक लगाए हैं, और ये एंट्री साइड इस बार इस तरह से जो है दिया गया है। और गाइस, अब जो है फिश का स्टॉक दिखाते हैं, और देखिए कौन कौन सा फिश अवेलेबल है इस बार जो आया है। तो आइए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये पोलर पैरोट इसमें डाला गया है, और सिकलेट है, और इसमें टाइगर शार्क है, और इसमें बड़े साइज का ऑस्कर भी है जो छिपा हुआ है। ये इस टैंक का कलेक्शन है, और भी बहुत सारा जो है आया था जो सेल हो चुका है, अभी रात के टाइम में हम बना रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है 250 पीस के आसपास जो है ये गोल्ड पीस आया था, और अंडा गोल्ड, और इसका प्राइस भी एकदम काफी कम है, 12.5 रुपया पर पीस आएगा ये आपको, ठीक है। ये इसमें इतना बचा हुआ है, अभी 150 के आसपास बचा हुआ होगा। और इसमें आपको मिल्की है, और प्लेको फिश है एल्बिनो वाला, और देख सकते हैं यहाँ पर बड़े साइज का कार्प भी है, कोई कार्प। और जस्ट इसके बगल में आप टैंक में देखिए, यहाँ पर गुरामी फिश है, और टाइगर बार्ब, और प्लेटी भी है, ये मून प्लेटी इसको कहते हैं, जो यहाँ पर आपको बैक में दिख रहा होगा, जो पीछे पीछे जा रहा है, ये सब मून प्लेटी है। ये गौरामी भी जो है 3 टाइप का इसमें है, और रोजी बार्ब है, ये सारा है। और लाइव प्लांट भी अवेलेबल है, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे वो अवेलेबल है। और यहाँ पर भी कुछ बीटा फिश है आप देख सकते हैं, और इसमें जो है स्नेल है बचा हुआ कुछ इतना आइटम, और यहाँ पर ये कोई कार्प फिशेस है, और इसमें ब्लैक प्लेको भी है। और जस्ट इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉली फिशेस है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज का, अलग अलग, कोई डबल टेल है, बहुत सारा क्राउन टेल, ये सब सारा मिक्स है इसमें, ये सारी जो है। और इसमें प्लेटी फिशेस भी है, और इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्नेल है, एकदम छोटे साइज का भी और एकदम बड़े साइज का भी, मेल फीमेल सारा आपको मिल जाएगा। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर एंजल 2 पीस बचा है, बहुत सारा जो है आया था, सारा सेल हो चुका है, अभी मात्र 2 पीस बचा हुआ है।
और यहाँ पर सिकलेट है, और उस टैंक में भी सिकलेट था और यहाँ पे भी सिकलेट है। और जस्ट यहाँ बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक गोल्ड है, रेड कैप है, ओरंडा रेड कैप है, ये सारा जो है इसमें मिक्स है, और ओरंडा रेड गोल्ड भी है। और इसमें ये हमारा सबसे पुराना आप देख सकते हैं, इसका आई नहीं है, दोनों आई नहीं है, तो इसको जो है स्पेशल टैंक दिए हैं। और इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लावर ऑन पीसेस है, और ये कितना बड़ा हो गया है, इसका हेड ये देख लीजिए और कलर कितना अच्छा है ये भी आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कोई गार्फ है और अपलुक है, अपलुक गोल्ड फिश, ये सारा फिश जो है इस बार अवेलेबल है। और जस्ट एक नीचे आपको दिखाने वाले हैं वो ओस्कर फिश है, और उसमें जो है 100 पीस ओस्कर है, बट आपको लगेगा भी नहीं कि 100 पीस है। तो आइए देखिए, तो गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें जो है टाइगर ओस्कर और एल्बिनो ओस्कर मिक्स है जो एकदम ग्रुप में है, और इसमें 100 पीस है फिलहाल, अभी बचा हुआ आया था 150 पीस के आसपास, अभी 100 पीस है। और इसके लिए टैंक देख सकते हैं कितना लंबा टैंक दिया गया है, ताकि इसका ग्रोथ एकदम अच्छा हो। ये 7 फीट टैंक है, आप देख सकते हैं ये कितना लंबा टैंक है, और एक बीज भी जो है इधर उधर कहीं पे नहीं है, टोटल जो है यहाँ पर है। किसी को विश्वास तो नहीं हो रहा होगा ये 100 पीस है, बट ये 100 पीस अभी अवेलेबल है, ये टाइगर ओस्कर है। और ये लुक देख लीजिए टैंक का कैसा लग रहा है, एंट्री लुक यहाँ पर दिए हैं इस तरह से, और ये इस तरह से जो है सारा सेटअप किया गया है इस बार। और एक्वेरियम का स्टॉक जो है काफ़ी ख़त्म हो गया, तो सारा अभी बन रहा है, तो आपको वो स्टोर रूम भी दिखा देते हैं जहाँ पर जो है बनता है, मतलब आप छोटा मोटा कारखाना फैक्ट्री कह सकते हैं जहाँ पर जो है बनता है। ये इस तरह से जो है लुक है एक्वेरियम का, एक्वेरियम शॉप का, जहाँ पर आपको सिर्फ फिशेस मिलेगा, तो ये देख लीजिए। अब आपको उस तरफ लेके चलते हैं, लास्ट में जो है हमारा एक्वेरियम शॉप है, मतलब एक्वेरियम जहाँ बनता है, आप छोटा मोटा कारखाना फैक्ट्री जो भी कह सकते हैं आप, चलिए दिखाते हैं। लाइट ऑन किए और ऊपर आप देख सकते हैं ए लेटर एक्वेरियम, आप ए लेटर एक्वेरियम भी देखे होंगे किसी शॉट्स में, ये ए लेटर एक्वेरियम है। और यहाँ पर भी कुछ एक्वेरियम बचा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डॉक्टर फिशेस वाला एक्वेरियम बनाए थे, जो अभी इसमें इस टैंक में मात्र डॉक्टर फिश है और सारे में जो है ये खाली है, और इसमें लाइव प्लांट है जो कि खराब हो चुका है किसी वजह से। यहाँ पर आपको किसी भी साइज का किसी भी तरह का एक्वेरियम जो है बन जाएगा, आप देख सकते हैं जैसे एग्जांपल में आपको दिखा ही चुके हैं ए लेटर एक्वेरियम जो कि ऊपर है, और भी बहुत सारा ऊपर है रखा हुआ जो आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि बहुत लंबा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो गाइस ये हमारा शॉप था और कलेक्शन था जो हमारे पास अवेलेबल है अभी, और भी बहुत सारा आने वाला है जो जल्दी हम आपको उसका अपडेट भी देंगे। और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए, वो सारा आइटम भी जो है आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक बार फिर से आप हमारा शॉप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा ये दो स्टैचू लगा हुआ है, और बाहर से कुछ ऐसा लुक आता है शॉप का, देख लीजिए। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।